बज्जू ये आपके लिए। थैंक यू माँ। ये आपके लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा, दो दिन के लिए तो गए थे तुम लोग और ये सारी शॉपिंग भी कर ली। हाँ। ये कोई मैंने थोड़ी लिया है, ये तो अदनान ने लिया है आपके लिए और अपनी अम्मा के लिए, दोनों के लिए सेम सेम। अदनान और ये देखिए ये बाबा के लिए। तुम खुश तो हो? बहुत। तो फिर तुम्हारी आंखें इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? वो ये लोग हमारी तरह जल्दी नहीं सोते ना, देर तक जागते हैं, रात को महफिलें लगती हैं, आंखें तो ऐसी होंगी। इतनी संजीदा क्यों हो गई हो? लड़कियां तो शादी के बाद हंसती खेलती हुई नजर आती हैं और तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन से बुढ़ी रू आ गई है। बच्चों आपको बताया ना, इनको ज्यादा शोर शराबा नहीं पसंद, ज्यादा बातें भी नहीं पसंद, बस शायद इसीलिए आपको बदली बदली लग रही होंगी। वैसे अदनान भाई तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ क्यों नहीं रखेंगे, आखिर शौहर है मेरे, मैं बीवी हूँ उनकी। कुछ शौहरों की आदत होती है बस बीवियों को दबा के रखने की, बस बिला वजह का रोब, और अदनान भाई उन्हीं मर्दों में से लगते हैं। और एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारे घर वालों को सवाल पूछने की इतनी आदत क्यों है? जी खासतौर पर तुम्हारी बहन को, दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती है? बहने हाल चाल पूछती हैं, वो तो बस हाल ही पूछ रहे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करे, मैं इस माहौल का बिल्कुल आदि नहीं और इस किस्म के बेवकूफ लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता जो खामखा दूसरों की लाइफ में दखल अंदाज करते, समझ गए? जी। मुझे डर है कहीं अपनी बहन की तरह तुम मेरी इंक्वायरी करना अपना फर्ज ना समझ, ऐसी उम्र में तुम्हारी कचहरी में भुगत सकता, मेरी बातों को संजीदगी से समझ लो तुम, ठीक है?